हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका एक बार से फिर ग्रामर की एक और नई क्लास में, जिसमें आज हम सीखेंगे यूज ऑफ नो, नन, एनी, नोबडी, नोवेयर, नथिंग। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स हैं इनका आज हम यूज देखेंगे, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं इनका यूज़ करते टाइम। ठीक है, क्या क्या गलतियां होने के चांस होते हैं आज सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले नो और नन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नो एंड नन, वी यूज नो प्लस नाउन, हम इस्तेमाल करते हैं नो प्लस नाउन, नो प्लस नाउन का ये जो नो है ये किसके बराबर है, नॉट एनी। तो नो की जगह हम नॉट एनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब नॉट एनी प्लस नाउन, या नो का इस्तेमाल करो नो प्लस नाउन, या नॉट एनी प्लस नाउन, एक ही बात है। ठीक है, तो सेंटेंस वाक्य देखते हैं पहले, उसे नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसे नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, शी विल हैव नो ट्रबल फाइंडिंग अ जॉब। या अगर लड़का होगा तो ही विल हैव नो ट्रबल फाइंडिंग अ जॉब, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप, शी विल नॉट हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग अ जॉब, क्योंकि नो और नॉट एनी का एक ही मतलब है, शी विल नॉट हैव एनी, तो नॉट एनी का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी दुकान खुली नहीं थी, there were no shops open, there were no shops open, इसको ऐसे बोल सकते हैं, there weren't any shops open, there weren't any shops open, या there were no shops open, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, अब none का यूज देख लेते हैं, we use none without a noun, none का इस्तेमाल हम noun के बिना करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक दोस्त पूछता है दूसरे से, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो मेरे जैसा दूसरा दोस्त होगा तो क्या बोलता वो, नन, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, आपके पास होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। तो अगला है, सारी टिकटें बिक चुकी हैं, सारी टिकटें बिक चुकी हैं, कोई नहीं बची है, All the tickets have been sold. सारी टिकटें बिक चुकी हैं। All the tickets have been sold. कोई नहीं बची है। There are none left. तो none का यूज हमने क्या किया? Without noun. ठीक है, तो चलते हैं आगे, कुछ और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब नन और एनी के बीच में थोड़ा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो पीछे लिया था, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। ठीक है, नन, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या आई डोंट हैव एनी, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनी। ठीक है, तो इस केस में जब आप बोलते हो आई डोंट हैव एनी, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे I don't have none, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने negative verb का use कर लिया एक बार तो उसके बाद आप none नहीं लगाओगे। अगर आप बोलोगे I don't have none तो वो गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? I don't have any, ठीक है। After none of plural, जैसे none of the students, none of them, none of the girls, etc. ठीक है, the verb can be singular or plural। इसके बाद जो verb आएगी वो singular भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नन ऑफ द होटल्स वर ओपन, कोई भी होटल खुला नहीं था, या ऐसे बोल सकते हो नन ऑफ द होटल्स वाज ओपन, ये दोनों फॉर्म्स बिल्कुल इक्वली सही है। ठीक है, तो कभी भी आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसको लेके। ठीक है, तो चलते हैं कुछ और आगे और क्लियर करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और वर्ड्स, जैसे नथिंग, नोवेयर, नोबडी, नो वन, एक्सेट्रा। ठीक है, वी कैन यूज दीज वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और अलोन। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनका हम सेंटेंस की, वाक्य की शुरुआत में इनका यूज
कर सकते हैं या अकेले भी इनका यूज कर सकते हैं। जैसे वाक्य लेते हैं, एक आदमी पूछता है दूसरे को क्या होने जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो दूसरा क्या बोलता है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, या नो बडी नोज, ये भी कह सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल हुआ इसका, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, बिगिनिंग में इस्तेमाल हो गया नो वन, और आगे नोज, या नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। अगला, जैसे कोई पूछता आपसे कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो आप क्या बोलते हैं कई बार, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे पूछता वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलते हो, नो वेयर, कहीं नहीं, आई एम स्टेइंग हियर, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, मैं यहीं रह रहा हूँ या मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। तो ये है यूज़ ऐसे वर्ड्स का, इनको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं आगे और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नथिंग, नो बडी, नो वेयर, नथिंग को आप नॉट प्लस एनीथिंग भी कह सकते हो, नो बडी को नॉट प्लस एनी बडी भी कह सकते हो, ठीक है, और नो वेयर को नॉट प्लस एनी वेयर भी कह सकते हो। इनका सेम मीनिंग है, नथिंग सेम है मीनिंग में नॉट प्लस एनीथिंग के, नो बडी नॉट प्लस एनी बडी के, और नो वेयर नॉट प्लस एनी। जैसे मैंने कुछ नहीं कहा, आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, आई सेड नथिंग, या आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ कोई नहीं रह रहा, ठीक है, यहाँ कोई नहीं रह रहा, देयर इज नो बडी लिविंग हेयर, या देयर इजंट एनी बडी लिविंग हेयर, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम गोइंग नो वेयर, या आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। तो देखा आपने, नथिंग का मतलब है सेम नॉट प्लस एनीथिंग, नो बडी का नॉट प्लस एनी बडी, और नो वेयर का नॉट प्लस एनी वेयर, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो देखिए आपने यूजेस नथिंग, नो बडी, नो वेयर एटसेट्रा के, एक तो वो यूज जो हमने पहले देखा जिसमें हम इन शब्दों को या तो वाक्य के शुरू में यूज़ करते हैं या अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला जो यूज़, इसमें हम किसी वर्ब के बाद इनका यूज़ करते हैं, जैसे सेड, लिविंग, सॉरी इज, गोइंग, तो ये क्या हैं, वर्ब्स हैं सारी, तो वर्ब के बाद भी इन वर्ड्स का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं जहाँ पे गलती के चांस होते हैं इन वर्ड्स में, ठीक है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं जहाँ पे अक्सर गलती होने का चांस होता है उसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो डोंट यूज अ नेगेटिव वर्ब विथ नोबडी, नथिंग, नोवेयर, नो वन, ऐसे वर्ड के साथ कभी नेगेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करें, ठीक है। जैसे नेगेटिव वर्ब्स कैसी होती हैं, इजंट, डिडंट, आई एम नॉट, एटसेट्रा, ये क्या है, नेगेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो जैसे आई सेड नथिंग, ठीक है, आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे, आई डिडंट से नथिंग, ये गलत है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स के साथ, नथिंग, नो बडी, नो वेयर के साथ वर्ब की नेगेटिव फॉर्म नहीं आती, ठीक है। आप ऐसे जरूर बोल सकते हैं, आई डिडंट से एनीथिंग, क्योंकि नथिंग का मतलब ही है नॉट प्लस एनीथिंग, जो हमने पीछे देखा। अगला है, दे हैव नो वेयर टू लिव, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, दे हैव नो वेयर टू लिव, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे, दे डोंट हैव नो वेयर टू लिव, ये गलत है, आप इसको ऐसे जरूर बोल सकते हो, दे डोंट हैव एनी वेयर टू लिव। तो ये है वो जगह जहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी के पास ये ज्ञान की बातें पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।